Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 19, A Seed Tells a Farmer's Story. I am a small seed. एक सीड है जो खुद की स्टोरी बता रहा है. चलो देखते हैं. I am a small बाजरा seed. कौन सी सीड है? बाजरा seed. Okay. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. कहाँ पे रह रहा है वो? एक ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स में. कब से? 1940 से. I want to tell you my story. This is a long story, but not mine alone. अब ये जो सीड है उसे अपनी स्टोरी बतानी है हम लोगों को, और ये सिर्फ उसकी नहीं है, अकेले की, और भी कुछ इसमें कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है. इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली. किसकी स्टोरी है? सीड की और उसकी फैमिली की, जो उनके फार्मर हैं, सीड के फार्मर दामजी भाई और उसकी फैमिली. If I do not tell my story now, it might be too late. क्या कह रहा है सीड कि अगर मैं अभी अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा ना तो ये बहुत लेट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ. I was born in Vangam in Gujarat. ये जो सेंटेंस है आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको फिर इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है और हमसे क्यों भी पूछे जा सकते हैं. ओके. दैट ईयर देर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप. उस साल क्या था वहाँ पर? बाजरा का जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हुआ था. देर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. पूरे विलेज में कैसा मूड था? उत्सव मनाने का मूड. आर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल. ये गुजरात में जो वंगाम है ये एरिया किस चीज़ के लिए फेमस था? ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. तो ये दामजी भाई क्या करते थे? बाजरा ग्रो करते थे. ठीक है, तो उसमें के बाजरा के कुछ अच्छे सीड्स जो है वो हमेशा अलग निकाल के रखते थे. क्यों? ताकि नेक्स्ट ईयर वही सीड वो क्या कर सके? सोइंग के लिए यूज कर सके. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. दिस वे आर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, देन गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गुड लौकी विच वॉज कोटेड विथ मड. अब देखो सीड कहाँ पे रहेंगे? साल भर सीड रखना है तो कभी कभी चूहे खा जाते हैं, उसको कीड़े लग जाते हैं, तो क्या करते थे ये लोग? लौकी आती है ना, यस, उसे ड्राई करते थे, उसके अंदर का सारी चीज़ निकाल लेते थे सीड विड, और फिर उसमें क्या डालते थे? बाजरा, और उसको मड से, मिट्टी से कवर कर देते, गीली वाली मिट्टी से. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसे मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. लेकिन उस साल दामजी भाई ने क्या बनाया था? एक स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स सीड्स को रखने के लिए. ही पुट इन नीम लीव्स. उसने क्या डाले थे उस बॉक्स में? उन्होंने नीम लीव्स क्यों डाले थे? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स. वहाँ पर देखो पिक्चर है ना, वुडन बॉक्स दिखाया है, वो बाजरा के सीड है और देखो नीम लीव्स भी दिख रहे हैं. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. ये था सीड का beautiful home. चलिए In those days, मतलब उन दिनों में क्या होता था? दामजी भाई and his cousins lived together. सब लोग साथ में रहते थे, उनके कज़न दामजी भाई. It was a large family. Everyone in the village helped each other, even in farming. अब हमने देखा है ना, last chapter कौन सा था? एक कौन सा चैप्टर था? धानू वाला चैप्टर था, और एक चैप्टर आपको था जिसमें लिखा है कि वो लोग सब जत्रा वाला चैप्टर था, करेक्ट ना? नो प्लेस फॉर अस, उसमें भी बताया है कि ये सब लोग गाँव के लोग कैसे रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बस वैसे ही ये लोग रहते थे. When the crop was ready and harvested, जब कोई भी क्रॉप रेडी हो जाता था फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती थी. Everyone celebrated together, सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे. Oh, those wonderful days with big fish and lots to eat. देखो सीड याद कर रहा है कि वाह कितने वंडरफुल दिन थे, सब लोग साथ में खाना खाते थे, बड़ी बड़ी मेजबानियाँ रहती थी. In the winter, फिर winter season में, it would be time to enjoy the undhiya, a kind of stew. All, अब ये undhiya कैसे prepare करते देखो. All the vegetables were put into a clay pot. एक clay pot है, उसमें सारे vegetable डाल देते थे along with the fresh spices. Spices मतलब हल्दी है, ठीक है, दालचीनी है, जो भी चीज़ें हैं वो वाली हल्दी, then मिर्च, ये सारे spices. Then the pot was sealed. Pot को seal कर देते. And kept between hot coals. जैसे आप लोगों ने वो बिरयानी वाले pot देखे होंगे ना, जैसे ये बहरूज वाली बिरयानी है और एक है
देखा होगा उनके पॉट आते हैं मिट्टी के और उनको सील किया हुआ रहता है आटे से, वैसे एक क्ले पॉट है उसमें सब डाला है, उसको सील किया है और हॉट कोल में डाल दिया है उसको। और क्या होता है, हम द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड। और ये सारी प्रोसीजर कहाँ पर करते थे, वो लोग फील्ड पर, ठीक है, और धीरे धीरे वो जो वेजिटेबल है उसमें पकते थे। देन ओ आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस अप साइड डाउन। हम लोग क्या करते हैं, बेस नीचे रखते हैं, तो ये पॉट कैसे रखते थे, उल्टा ऊपर के साइड नीचे। दैट इज वाई सो इस डिश को क्या कहते हैं, कॉल्ड उंधिया और अप साइड डाउन इन गुजराती। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज, किसके साथ खाते थे, बाजरा रोटी के साथ। देन फ्रेशली कुक ऑन द चूल्हा, और वो भी कहाँ पर बनाई हुई, चूल्हे पर। चूल्हे पर जो भी खाना बनता है वो अच्छा बनता है ना, खाया होगा ना तुम लोगों ने। देन ओ वॉट एन अर्दी डिलिशियस फ्लेवर। अब जस्ट इमेजिन करो कि मटके में पका हुआ वो उंधिया, ठीक है, वो भी मिट्टी का मटका, और ये बाजरे की रोटी फ्रेश फ्रेश, कितना मस्त फ्लेवर आता होगा उसका, स्मोकी फ्लेवर। अलॉन्ग विद दैट, और उसके साथ होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब तुम लोगों को पता है हर सीजन में ना अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स ग्रेन्स क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे साल में एक ही, मतलब हर जो क्रॉप रहता है उसको अलग अलग सीजन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये फार्मर्स क्या करते थे, पहले जो सीजन है उसके वाइज वो लोग वो ग्रेन्स लगाते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। और क्या करते थे, जैसे खेत में सपोज जवार का खेत लगाया है, ठीक है, तो जितने जवार उनको चाहिए वो सब स्टोर करके रख देते थे और बाकी के बेच देते थे शॉपकीपर को। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन, कुछ ना कॉटन भी ग्रो करते थे। एट होम फैमिली मेम्बर्स पन कॉटन ऑन द चरखा। चरखा मतलब क्या होता है, स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लोथ। तो फैमिली मेम्बर क्या करते थे, उससे उसका सूत काटते थे, मतलब उससे धागा बनाते हैं वो लोग, ठीक है, चरखा को यूज करके, एंड देन उसमें से फिर वो यूज करके क्लोथ बनाते थे कॉटन के। चलिए, आप लोगों ने ये चरखा देखा होगा गांधी जी के पिक्चर में, देखा होगा, यस, इनके पास चरखा रहता होगा, वो हमेशा वो सूत काटते रहते हैं क्योंकि वो खादी के कपड़े पहनते थे, यस, करेक्ट। चलो टेल आर रोट इज मेड इन योर होम, यस, फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, अब ये आपको लिखना है, इट मे बी जवार व्हीट और फिर बाजरा, ओके। सो हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवार, खाई है आप लोगों ने। कुछ बच्चों को पसंद होती है जवारी की रोटी, बाजरे की कुछ को नहीं होती है। डिड यू लाइक दिस, मुझे तो बहुत पसंद है कि बहुत टेस्टी होती है। चलिए देन फाइंड आउट एंड राइट इन योर हाउस वॉट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। क्या करती है मम्मा ये सारी चीज़ें करने के लिए, अगर ग्रेन्स को अच्छे से रखना है, सबसे पहले तो अच्छे से सुखा देती है ना, करेक्ट, ड्राइड एंड सन में उसको अच्छे से सुखा देती है, देन एयर टाइट कंटेनर में रखती है, सेकेंड थिंग। अच्छा, अगर राइस है बहुत ज़्यादा लाकर रखा है या वीट है तो उसमें क्या डाल के रखते हैं, वीट जो है स्पेशली वीट और जवार, उसमें क्या रखते हैं, नीम लीव्स डाल के रख देते हैं। सपोज राइस को स्टोर करना है तो उसमें बोरिक पाउडर डाल के रख देते हैं। ये अलग अलग मेथड अलग अलग घर पे यूज करते हैं। विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कौन से सीजन है कुछ कुछ जो फार्मिंग से रिलेटेड है। देन द नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। देन वॉट स्पेशल फूड आर मेड। इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विथ मेनी पीपल। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम लोगों को ढूंढनी है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अभी जनवरी मंथ गया है ना, यस, तब कौन सा सीजन आया था, कुछ आया था संक्रांति वाला सीजन आया था, उसमें क्या होता है, जैसे पंजाब में लोहरी मनाते हैं, यस, उसमें क्या डालते हैं वो लोग, लोहरी आग जलाते हैं, उसमें तिल डालते हैं, ये जो तिल का प्रोडक्शन है ना वो तभी होता है, उसी महीने में तिल हार्वेस्टिंग होती है तिल की, और फिर तिल के साथ जगरी मतलब गुड़ मिलाकर उससे क्या बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, और ये स्पेशली लड्डू विंटर सीजन में खाना अच्छा होता है,
और उसके साथ क्या करते हैं, बहुत सी जगहों में काइट फ्लाइंग भी करते हैं। देन नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप सीरियल्स वेजिटेबल पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया, जैसे कि वीट राइस में जो भी होता है आप बता सकते हो। ऑफ दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, और उसमें से ऐसा कुछ है कि जो कंट्री में फेमस है वो भी बताना है। अब नीचे देखिए कुछ सीड्स रखे हुए हैं और आपको पूछा है कैन यू रिकोगनाइज दिस ग्रेन्स। अब ये जो पहले वाले सीड है पहचान के आपके, है इससे क्या बनता है, पॉपकॉर्न बनते हैं ना आपके, यस ये है मेज सीड, भुट्टा बोलते हैं हम लोग, आप लोग खाते हो, बारिश के सीजन में आता है ना ये, बारिश हल्का सा विंटर रहता है तब, यस ये है मेज। देन नेक्स्ट इज द मस्टर्ड सीड, ठीक है, देन वीट, और फिर है बाजरा। चलिए देन When times change, चलो अभी सीड अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है। ओके, ओवर द ईयर्स मेनी चेंजेस took place इन द विलेज, अब जैसे जैसे साल गुजरते गए तो उस विलेज में ढेर सारे चेंजेस हुए। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, जनरली क्या होता था, पहले सिर्फ कुआ रहता था, ठीक है, कुएं से ही पानी निकालते थे और बारिश वाला पानी, दैट्स ऑल। अभी क्या हुआ है, अब कैनाल से आता है। दे सेड द कैनल वॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेर अ डैम हैड बिन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर, एक बड़ी सी रिवर, वहाँ पर एक डैम बांधा हुआ था और वहाँ से कैनल निकाल कर पानी वहाँ से आता था। पानी आने के बाद क्या हुआ, देन इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑन द बटन एंड देर वॉज लाइट, ठीक है। पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप लाइक वीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट, सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दिस। अब यहाँ पे ध्यान में रखो, पहले क्या था, इरिगेशन का वेल, इरिगेशन मतलब जो पानी देते हैं ना उसे इरिगेशन कहते हैं। तो वहाँ वो कहाँ से मिलता था, एक तो वेल से या फिर बारिश, करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पहले, यस, और वो लोग कौन से क्रॉप्स लगाते थे, सीजन वाइज क्रॉप चेंज करते थे वो लोग, ठीक है। अभी देखो क्या चेंज हुआ, कैनल से पानी मिलने लगा, देन इलेक्ट्रिसिटी आई, और फिर पीपल को समझ में आया, लोगों को, कि एक या दो ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको ज़्यादा प्राइस मिलती है मार्केट में, सच एज वीट एंड कॉटन। तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम लोग क्या लगाने लगे अपने खेत में, करेक्ट, वीट एंड कॉटन, ठीक है। सुन वी, वी मतलब सीड, ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार एंड ऑल्सो वेजिटेबल वेयर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, अब नए क्रॉप आ गए हैं तो ये लोग बेचारे भूल गए इन लोगों को सब लोग, ठीक है। इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड, कहाँ से, इवन दामजी भाई के फील्ड में भी उन्होंने बाजरा जवार डालना लगाना बंद कर दिया। फार्मर्स इवन बिगन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट, अब ये और एक नेक्स्ट देखो, दामजी भाई क्या करते थे, अच्छे वाले सीड निकाल के रखते थे, लेकिन अभी ये लोग क्या करने लगे, सीड खरीद कर लेकर आने लगे। पीपल सेड देयर वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड, लोग कहते थे कि वो नए टाइप के सीड्स हैं, सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ओल्ड क्रॉप से वो सीड स्टोर करने के लिए, ठीक है। इतने चेंजेस हुए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन अ वेरी स्पेशल डेज, अब क्या हुआ, ये लोग सब साथ में खाना कब खाते थे, साथ में खाना बनाना और खाना खाना कब करते थे, ओनली ऑन स्पेशल डेज। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट फ्रेश फ्रॉम फील्ड्स, अब जब ये लोग खाना खाते थे तो पता है किसके बारे में सोचते थे, वो लोग सोचते कि अरे यार हम पहले खाना खाते तो वो कितना टेस्टी रहता था। अब मुझे बताइए, देखो सीड का क्या कहना है, वेन द सीड्स हैव चेंज, अगर सीड ही बदल चुके हैं, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम, तो फिर खाने की टेस्ट सेम कैसे हो सकती है। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली, अभी दामजी भाई बूढ़े हो गए थे, उनके बेटे का क्या नाम है, हसमुख, अब सारा फील्ड और फैमिली को कौन संभालता था, हसमुख। चलो, हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया था फार्मिंग से। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, बड़ा सा घर भी बना लिया था, ओल्ड हाउस को रिनोवेट कर लिया था, मशीन लाए थे फार्मिंग के लिए। ही यूज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पम्प वाटर, वाटर पम्प करने के लिए क्या लगाया था, इलेक्ट्रिक मोटर। ही बॉट अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी खरीदी थी,
टू गो टू द सिटी ईजिली एंड ऑल्सो ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड। ठीक है, फील्ड प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर भी खरीदा था। ठीक है, द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे वॉट द बुलक्स कुड टेक मेनी डेज टू डू। जो बैलों को काम, सपोज 7 दिन अगर बैलों को लगते होंगे एक काम करने के लिए, तो वो काम ट्रैक्टर एक ही दिन में कर लेता था। ठीक है, देन हसमुख उड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। क्या कहता था वो हसमुख, वो हमेशा, कि हम फार्मिंग कैसे कर रहे हैं वाइजली, मतलब होशियारी से, दिमाग लगा के। वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। हम वही ग्रो करते हैं जो चीज़ें हम लोग मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं। ठीक है, विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ एंड वी कैन मेक प्रोग्रेस। और जो भी प्रॉफिट हमारे फील्ड से हमें होता है उसमें से हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और हमारी प्रोग्रेस होगी। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड अदर सीड्स हैड आर डाउट्स। अब यहाँ पे सीड बोल रहा है कि वो वुडन बॉक्स में लेटे लेटे वो और उसके दोस्त अदर सीड्स, उनको एक डाउट था। क्या था? इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, कि क्या सच में प्रोग्रेस ही है हर चीज़ें जो बताई हैं। देर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक हस, हम लोगों के सीड की तो ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को। एंड एनिमल्स लाइक द बुलक, और अभी तो एनिमल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी है ना। अभी ट्रैक्टर आ गए तो बुलक को यूज़ नहीं करेंगे। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम, ट्रैक्टर आने के बाद इवन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, जो लोग फील्ड पे काम करते थे ना, ठीक है, आर नो लॉन्गर नीड, अब उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना। करें, अब मुझे बताओ वो लोग काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। हाउ विल दे अर्न मनी एंड वॉट विल दे लिव ऑन। इसलिए उन्होंने कहा है क्या यह सही में प्रोग्रेस है। चलिए डिस्कस। द बाजरा सीड सॉ डिफरेंसेस इन द वे दामजीबाई एंड हसमुख डेड फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल इन इरीगेशन प्लोइंग वॉट वर दिस डिफरेंसेज। अब यहाँ पर ढेर सारे डिफरेंसेज, जैसे वो सीड खरीदना, ठीक है, दामजीबाई सीड रखते थे और ये क्या कर रहा है, सीड बाहर से खरीद के लाता है। ठीक है, और सिर्फ ढेर सारे डिफरेंसेज आपको इसमें मिल जाएंगे। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो, हाँ, दामजीबाई बाजरा ग्रो करते थे, ये कौन से क्रॉप ग्रो करता था जिसको प्राइस, जिसको मार्केट में अच्छी प्राइस मिले। देन हसमुख सेड विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस। अब यहाँ पे प्रोग्रेस का क्या मीनिंग होगा, क्या होता होगा इसका। यस, प्रोग्रेस मतलब जिससे भी उसको पैसे मिलते हैं उससे वो लोग क्या करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करेंगे, बच्चों को अच्छी स्कूलिंग देंगे, अच्छा वर्क स्टाइल है ना, यस, अच्छे कपड़े पहनेंगे। दैट इज़ द प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू मी। देन राइट वॉट काइंड ऑफ प्रोग्रेसेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया। अभी आपको यहाँ पे पूछा है कि आपके एरिया में ऐसे कौन से प्रोग्रेस आपको आप देखना चाहते हो। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे बेटर रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा वाला, करेक्ट। हाँ चलिए, मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब देखो इन लोगों के खर्चे कैसे बढ़े। The next 20 years saw even more changes. ठीक है, अभी वो तो changes हो गया, उसके बाद और 20 years के बाद की बात है, ये कितने changes हुए। Without cows and buffaloes, there was no cow dung. अब animals ही नहीं है तो cow dung कहाँ से आएगी। To be used in the field as a fertilizer. Cow dung ही नहीं है तो no fertilizer. ठीक है, पहले गाँव में कैसे करते थे पता है तुम लोगों को, एक ना घर के बाहर पीछे के साइड में बड़ा सा पीट ना डिक करके रख देते थे, और ये जो काउडंग है, बफेलो या काउ की जो भी डंग है, वो रोज़ वहाँ उसमें डालते थे, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है और उससे हमें मिलता है फर्टिलाइज़र, दैट इज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र, और वही खेत में डालते थे। अभी वो भी चेंज हो गया है। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। अब ये हसमुख क्या करता है, यस, महंगे महंगे फर्टिलाइज़र खरीदता है। The new kinds of seeds were such that, अब ये नए वाले जो सीड है जो खरीद के लाते हैं ना, वो सीड कैसे है देखो, that the crops were easily affected by harmful insect, कि उनसे निकले हुए जो भी क्रॉप है वो easily affect कर सकते हैं, किससे अफेक्ट होते हैं, harmful insect से। अब इंसेक्ट को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन स्प्रे करना पड़ेगा, करेक्ट। मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। देखो
सीड चेंज, फर्टिलाइजर चेंज, मेडिसिन डालना पड़ा, ठीक है। ओ व्हाट अ बैड स्मेल दैट दिस हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेर, उनकी गंदी सी स्मेल आती है और बहुत महंगे रहते हैं। अच्छा अब ये जो है ना, ये जो मेडिसिन डालते हैं है ना क्रॉप पर, उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हाँ ध्यान में रखना पेस्टिसाइड्स। देन ये देखो वहाँ पर है ना एक फार्मर है, वो देखो वो पीछे जो है ना सिलेंडर के जैसा, उसमें ना वो पेस्टिसाइड भर के रहते हैं उसका सॉल्यूशन, और वो नोजल है उससे वो स्प्रे करते हैं। चलो द कैनल वाटर इज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स, अब ये जो नए क्रॉप है इनको पानी भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो कैनल से जो भी पानी मिलता है वो सफिशियंट नहीं रहता है। सो ऑल द फार्मर्स यूज पम्प्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड, तो क्या करते हैं लोग, ज़मीन में अच्छे से पूरे अंदर तक पम्प डाले हैं, मोटर लगा देते हैं और जितना पानी ग्राउंड से निकाल सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर रहता है वो उतना निकालते हैं। टू मेट ऑल दिस एक्सपेंसेस, अब ये सारे खर्चे करने के लिए क्या करते थे, लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, लोन लेना पड़ता है था। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन, अब इसमें से थोड़ा फार जो भी प्रॉफिट होता था उसका क्या करते थे, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम प्रॉफिट तो लोन रिपे करने में चला जाता था। देन बट देर वॉज लिटिल प्रॉफिट, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता था। एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन, अब मैंने कहा था ना लास्ट में आया था, देखो व्हीट और कॉटन जो था उनको अच्छे प्राइस मिलते थे मार्केट में, तो लोगों ने क्या किया, कॉटन ही ग्रो कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सो द कॉटन प्राइसेस वेर नॉट एज हाई एज बिफोर, तो क्या होगा, अब सब लोग कॉटन ही ग्रो करेंगे तो ढेर सारा कॉटन हो जाएगा, प्राइसेस कम हो गए, उतने नहीं थे प्राइसेस। द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, अब हर साल तुम लोग वही वही क्रॉप उसमें लगाओगे तो सॉइल भी खराब हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स, उसमें से फर्टिलाइजर भी कौन से बाहर के है ना, उसमें से पेस्टिसाइड डालो उनके ऊपर तो सॉइल तो खराब होगी ही। सो मेनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर, तो अभी वही ज़मीन जहाँ पर अच्छा से क्रॉप आते थे उसमें अभी कुछ भी लगाओगे तो अच्छे से ग्रो नहीं होता, नहीं हो सकता वो। इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन, और फिर क्या आया, सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि अगर वहाँ से ठीक से प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन, सिर्फ फार्मिंग करने से कुछ नहीं होगा। देन हसमुख टू चेंज विद द टाइम, ये हसमुख है ना इसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं, कौन से आए हैं, ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, टेंस रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, टेंशन में रहता है और गुस्से में, क्यों, हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग, ये जो परेश है उसका बेटा, उसको क्या करना है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, मतलब उसको फार्मिंग नहीं करनी है। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, इसको भी आप अंडरलाइन कर दो, अब उसने क्या किया, एज अ ट्रक ड्राइवर काम स्टार्ट किया। After all the bank loan still had to be repaid, अब जो बैंक से लोन है लिया था उसको भी तो रिपे करना है ना, इसलिए उसने ये काम पकड़ लिया। Often Paresh doesn't come home for days, अब वो ड्राइवर ट्रक ड्राइवर का जॉब करता था तो वो बहुत, तो सिंपल सी चीज़ है ना कि वो कुछ कुछ दिन तक तो घर पे ही नहीं आता था। At times he is away for a week, कभी कभी तो एक एक हफ्ते के लिए वो दूर रहता है। टू डेज बैक वेन ही केम होम, दो दिन पहले जब वो घर में आया, घर आया तो परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, तो वो किस चीज़ के लिए कुछ ढूंढ रहा था। वाह, ही आस्क हिज मदर वेर इज़ दादाजी उड़न सीड बॉक्स, उसने पूछा कि दादाजी का उड़न सीड बॉक्स कहाँ है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक, क्या कहा उसने कि वो किस चीज़ के लिए काम आएगा, मेरे स्क्रू और टूल जो है वो रखने के लिए। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी, देखो सीड हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी आपको समझ में आया कि मैं अपनी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मतलब देखो उनको उनके घर से भी निकाल देंगे ना, अभी उनका घर क्या था, एक ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स, अभी उसमें से भी निकाल देंगे उनको। डिस्कस एंड थिंक,
वॉट कैन हैपन टू हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर्स। ठीक है, अब इसमें हमें सबने क्या कहा था कि सीड्स जो है वो बाहर के सीड्स थे। ठीक है, तो वैसे सीड अगर हम लोग हमेशा हमेशा लगाएंगे, करेक्ट, तो एवरी टाइम वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर, और क्या यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन फर्टिलिटी लूज हो जाएगी सॉइल की। क्यों? ड्यू टू एक्सेसिव एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देन नेक्स्ट,